हरियाणा में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत वॉल्वो बस की शुरुआत है। करनाल से अयोध्या के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रवाना किया। वहीं रामलला के दर्शन को लेकर श्रद्धालु उत्साहित नजर आए। वडोदरा में आज भी राम नाम के टैटू का क्रेज है। वडोदरा के टैटू आर्टिस्ट सचिन दंतानी सुर्खियों में छाए हुए हैं। टैटू आर्टिस्ट सचिन 24 घंटे लोगों के हाथों पर राम नाम की आकृति उकेर रहे हैं। लोग उनसे टैटू बनवाने के लिए पहुंच रहे हैं। गाजियाबाद की तरुणा मजदूरों के बच्चों को शिक्षित करने की मुहिम लगातार चला रही है। नौकरी के बावजूद गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए वक्त निकालती है, वहीं पढ़ने के लिए भी बच्चों की भीड़ लग रही है। ये तस्वीर यूपी के बांदा की है, जहां महिलाओं होली पर्व को लेकर इस बार केमिकल मुक्त ऑर्गेनिक गुलाल तैयार कर रही हैं, जो लोगों की बहुत पसंद आ रहा है। इन गुलाल में सब्जियों का रस, हरी सब्जी, घरेलू जड़ी बूटी द्वारा इन्हें तैयार किया गया है। दावा के सैफई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने सैफई में 500 बेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण कर दिया, साथ ही साथ कार्मिकों को नियुक्ति पत्र वितरित भी किए। झारखंड के गौसेवा आयोग ने एक शानदार पहल की है, जहां रांची के पशुपालन भवन में वेबसाइट की लॉन्चिंग की गई, जो झारखंड के शहरों और कस्बों में सड़कों पर बिना किसी सहारे के घूम रहे गौवंश को गौशालाओं में पहुंचाएगा। सोनीपत में एक किसान दिनेश कुमार ने खेती छोड़कर स्ट्रॉबेरी की खेती करके अपनी किस्मत बदल ली है। किसान स्ट्रॉबेरी की खेती करके लाखों रुपए कमा रहा है, वहीं दूसरे किसानों के लिए एक मिसाल। इम्फाल की महिलाओं ने आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की। महिलाओं ने महज 10 रुपए से बांस के चिप्स और अचार का कारोबार शुरू किया। आज वो जबरदस्त मुनाफा कमा रही है। वहीं बांस के चिप्स और अचार की काफी मांग बढ़ गई है। श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर समान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हर वर्ग से जुड़ी 35 महिलाओं को सम्मानित किया गया।